दोस्तों हो सकता है कि आपके मैसेज पॉपअप में इस तरीके से एक मैसेज आपको देखने को मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिसेंट ट्रांजेक्शन हैज़। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में इस चीज़ को दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिसेंट ट्रांजेक्शन हैज़ अनलॉक्ड एक्सक्लूसिव बेनिफिट, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो मैसेज आता है ये आमतौर पर आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड से आता है और आपका जो ईएमआई भराया था यानी कि पैसा आपको जो टाइमली होता है ईएमआई का वो कट जाता है, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई प्रॉब्लम या बग आ जाती है, कुछ आइडेंटिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका जो बजाज फाइनेंस का ईएमआई कट जाता है वो ईएमआई वहाँ पर अपडेटेड नहीं दिखाता है ऐप में। तो उसके लिए कुछ दिन लगते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 5 दिन, कुछ भी दिन लगते हैं जिसमें आपको जब तक आपका पैसा तो कट जाता है लेकिन वहाँ पर अपडेट नहीं होता है। तो 10-12 दिन के बाद आपको ये मैसेज देखने को मिलता है जिसमें होता है कि अब आपका जो ये लॉक हो गया था या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो आपको अपडेट नहीं हो रहा था ईएमआई कटने के बाद, वो अब अनलॉक हो चुका है। अब जैसे ही आपका ईएमआई कटेगा तुरंत ही आपका ये प्रॉब्लम आपको दिखा देगा कि आपका ईएमआई कट गया, वो अपडेट तुरंत ही हो जाएगा क्योंकि अब वो अनलॉक्ड हो चुका है।